पूर्व टीवी एक्ट्रेस और रीवा की राजकुमारी मोहिना कुमारी हाल ही में दूसरे बच्चे की मां बनी हैं। वो पहले से ही एक बेटी की मां हैं और 31 मार्च को उन्होंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। मोहिना कुमारी खुश हैं, अब उनका पूरा परिवार पूरा हो चुका है। हाल ही में एक इंटरव्यू में मोहिना ने बेटी के नामकरण से लेकर दूसरी बार मां बनने पर भी बात की है। साथ ही ये भी बताया कि आखिर उन्होंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी छुपा कर क्यों रखी। मोहिना ने बताया कि वो हमेशा से एक बेटा और एक बेटी चाहती थी। पति सुरेश भी चाहते थे कि दूसरा बच्चा बेटी ही हो। वहीं मोहिना कुमारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें देखकर घर में सभी कहते थे कि बेटा ही होगा, लेकिन बेटी हुई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वो बेटा और बेटी दोनों को पाकर सुकून में है। उनका परिवार अब पूरा हो गया है। मोहिना ने 2 साल पहले 15 अप्रैल को बेटे अयान को जन्म दिया था और वो बेटी की मां भी बन चुकी हैं। लेकिन मोहिना ने सोशल मीडिया पर ना तो कोई तस्वीरें पोस्ट की और ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। इस बारे में पूछे जाने पर वो बोली, दरअसल बात ये है कि मैं अपनी दुनिया में ही रहती हूँ, मैं सोशल मीडिया के बारे में नहीं सोचती, मैं बस अपनी जिंदगी जीती हूँ। लोगों को पता चल जाएगा तो चल जाएगा, मैं ये नहीं सोचती कि ठीक है अब मुझे फोटो दिखानी है या मुझे मीडिया के लिए ये करना है वो करना है, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं अपनी जिंदगी को सच्चे तरीके से जीने में बिजी हूँ। लोगों ने मुझे कहा कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहीं मोहिना कुमारी की बेटी का भी नामकरण नहीं हुआ है, पर उन्होंने उसका निकनेम जरूर तय कर लिया है। मोहिना ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन बेटी की कुंडली बनी गई, वो उसे प्यार से छोटी बाबू कह के बुलाती हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।